हे दोस्तों, इस तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर आप कोई भी बोर्ड से हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। सो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, तो लेके आए हैं क्लास 10th का साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेशन देता है और भी नए वीडियो बनाने को। सो अगर आप चाहते हैं कि 10th का और भी वीडियो आए इस चैनल पर, सो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, ए दोगुनी, बी आधी, सी चौथाई, डी बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आधी। और फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी 15 सेंटीमीटर। और फिर तीन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीन नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष और फिर सी जरा दृष्टि दोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। और फिर देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो चार का आंसर हो जाएगा सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर पाँच नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो पाँच का आंसर हो जाएगा बी आयर स्क्वायर, ठीक है। फिर छः नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छः नंबर क्वेश्चन बोलता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा, पारितारिका द्वारा। तो छः नंबर का आंसर हो जाएगा सी पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। फिर सात नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सात नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होती है, -1, +1, 0, इनमें से कोई नहीं। तो सात नंबर का आंसर हो जाएगा बी +1। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेशन देता है। और चलते हैं फिर जाके आठ नंबर क्वेश्चन को। तो आठ नंबर क्वेश्चन, हेमाटाइट किसका एस्क है, CuFeSES है। तो आठ नंबर का आंसर हो जाएगा बी Fe। और फिर वीडियो, इसलिए हम क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी जिसकी वजह से आप लोग को दिक्कत होगी, इसलिए शॉर्ट में बताते निकलते जा रहे हैं। फिर नौ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लोहा का जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो नौ नंबर का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, संक्षारण। और फिर दस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन, एथाइन, एसिटालीन, ब्यूटीन। तो नौ दस नंबर का आंसर हो जाएगा ए प्रोपेन, ठीक है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंधन होती है, CH4 C2H2 C2 C4H10 C2H4, ठीक है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा डी C2H4। और फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, CaBrHe, ठीक है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा CHe, ठीक है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट ही है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है, एंटीबायोटिक, एंटीसिड, एनालिजिसी, एंटीसेप्टिक। तो हो जाएगा इसका आंसर 13 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिक्रिया CuO+H2O मिलकर Cu+H2O में किसका उपचयन होता है, CuO H2 CuH2O। तो हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा बी H2, ठीक। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है, हरित लवक, पत्ती, ग्राना, स्ट्रोमा। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए हरित लवक, ठीक। और फिर 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र,
पोषण तंत्र जनन तंत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का हो जाएगा सी, श्वसन तंत्र। ठीक है, और फिर 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है कहलाता है प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, स्वपोषी। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, प्राणी संपोषण। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, फिर 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, CO2, CO, उसके बाद हो जाता है NH3, बी और सी दोनों, यानी बी और सी दोनों। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। ठीक है ये। और फिर 20 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, विसरण द्वारा। ठीक है, तो और भी अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी क्वेश्चन इस चैनल पे आए, तो आप वीडियो को लाइक करें और नीचे हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। तो हम लोग ज़रूर उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएंगे, और आपको जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके पूछें, हम आपको डाउट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। और हाँ, अगर आप इस तरीके के और भी वीडियो देखना चाहते हो, चाहे आप CBSE बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, या कोई भी बोर्ड से हो, तो अगर इस तरह के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को अगर ऑन कर लेते हो तो YouTube द्वारा स्पेशली आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो सब्सक्राइब कर ही